श्रीलंका पर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और जयशंकर श्रीलंका के मौजूदा हालात की देंगे जानकारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज दाखिल करेंगी पर्चा। राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज। कल महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने किया था हंगामा। भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद वरवरा राव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज राव जेवेनी कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी ने केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक को जारी किया नोटिस। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के वित्तीय लेनदेन में उल्लंघन का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है और वक्त। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान पर आज तय होंगे आरोप। सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल का मामला। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या आज पटना हाईकोर्ट के सामने होंगे पेश। तलाक की चल रही है सुनवाई। देश के 15वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए पूरा हुआ मतदान। करीब 4,800 सांसदों और विधायकों की वोटिंग। 99.18% हुआ मतदान। राष्ट्रपति चुनाव में शिवपाल यादव ने नहीं दिया भतीजे अखिलेश का साथ। बोले, नेताजी का अपमान करने वालों का नहीं कर सकते समर्थन। समाजवादी पार्टी में आजम भाई को छोड़ करके हमसे बड़ा सीनियर कौन है, तो क्या हमसे सुझाव लिया है? द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताने वाले बयान पर कायम है तेजस्वी यादव। बोले, बिना बात का किया जा रहा है हंगामा। गुजरात के एनसीपी विधायक ने की द्रौपदी मुर्मू को वोट। ओडिशा के कांग्रेस एमएलए मुकिम ने भी एनडीए उम्मीदवार के लिए डाला वोट। असम में एआईयूडीएफ के विधायक करीमुद्दीन भार भूया ने क्रॉस वोटिंग का दावा किया। कहा, कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। देवघर में एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए की गई विशेष पूजा। मुर्मू की जीत के लिए की गई कामना। 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया पर्चा। पीएम मोदी की मौजूदगी में किया नामांकन। भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। शिवसेना के बागी गुट का बड़ा दावा। दाव, उद्धव ठाकरे को पार्टी अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव गुट के 14 विधायक। अयोग्य ठहराने के स्पीकर की कार्यवाही को बताया अवैध। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखे शिवसेना के 14 सांसद। 12 शिवसेना सांसदों के साथ शिंदे फडणवीस का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र संकट पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 जजों की बेंच। 20 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 21 जुलाई की तारीख हुई तय। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। गिरफ्तारी पर रोक के साथ सभी 9 मामलों की सुनवाई दिल्ली में करने की मांग। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत अब टीईटी पास शिक्षक ही मदरसों में रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को राहत। यूपी पुलिस पर अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दायर की हाईकोर्ट में याचिका। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को दी चुनौती।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपनी सिंगापुर यात्रा को लेकर पूछे सवाल, बोले देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा सिंगापुर। देखिए मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, इस देश का स्वतंत्र आजाद नागरिक हूं, सो मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है मेरी समझ के बाहर है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप, बोले केंद्र ने पिछले एक महीने से अटका रखी है फाइल। सिंगापुर में उन्हें दिल्ली मॉडल के प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहां पे प्रस्तुत करने के लिए। केजरीवाल ने कहा, जब पूरी दुनिया के लीडर दिल्ली के मॉडल के बारे में सुनेंगे तो बढ़ेगा देश का गौरव। नित्यानंद राय बीजेपी छोड़कर आरजेडी में होना चाहते हैं शामिल, तेजस्वी यादव ने किया दावा तो भड़की बीजेपी। कश्मीर के पुंछ में स्किल इंडिया के तहत ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से युवाओं के लिए किया गया कंप्यूटर कोर्स का आयोजन। काकोरी और रामप्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन सप्ताह के पहले दिन का हुआ कार्यक्रम। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन सप्ताह के पहले दिन मुंबई का शिवाजी टर्मिनस तिरंगे की रोशनी से हुआ चकमक। गुजरात के सूरत की 13 साल की भाविका ने लिखी द्रौपदी मुर्मू पर किताब, किताब में भाविका ने बेहद सरल तरीके से द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में बताया। तेलंगाना सरकार की शानदार पहल, गरीबों के लिए शुरू की मुफ्त स्वास्थ्य योजना। से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिला पुलिस की अनोखी पहल, पुलिस वैन में लगाया गया ड्राइवर सेफ्टी सिस्टम। बिहार के गैंगस्टर गोरख ठाकुर की हत्या का मास्टरमाइंड बिट्टू जायसवाल एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने दो डकैतों को किया गिरफ्तार, हथियार और मोबाइल फोन बरामद। फर्जी तरीके से लोन और बीमा कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपियों को मुरादाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 8 रजिस्टर, 4 मोबाइल फोन भी बरामद। बागेश्वर में उत्तर भारत हाइड्रो पावर की सुरंग के ऊपर जमीन धंसी, पानी के रिसाव से दहशत में ग्रामीण। सुकमा में मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने की एक ग्रामीण की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। झारखंड के रामगढ़ में नए एसपी के स्वागत और पुराने एसपी की विदाई के लिए समारोह का किया गया आयोजन। होशियारपुर की अदालत में लॉरेंस बिश्नोई को किया गया पेश, पुलिस को दो दिन की रिमांड और मिली। फर्जी इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर बनकर कर रहा था शराब तस्करी, बिहार यूपी बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड में दिखेगा राष्ट्रभक्ति का उत्साह, हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के 20 लाख घरों में फहराया जाएगा तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, चेतावनी के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ में फंसे 5 किसानों का बचाव दल ने किया रेस्क्यू, पेड़ पर चढ़कर गुजारी थी पूरी रात। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तीर्थयात्रियों की भीड़ और तापमान की वजह से पिघले बाबा बर्फानी, यात्रा खत्म होने से पहले ही अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह से मिली। रुद्रप्रयाग में बिना बारिश ही दरका पहाड़, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर दिखा खौफनाक मंजर। बागेश्वर में खार बगड़ क्षेत्र में लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने से हुआ लैंडस्लाइड, सड़कें हुई बंद, तस्वीरें कैमरे में कैद। महाराष्ट्र के वाशिम में 14 घंटे की बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों में दो दिन की छुट्टी।
चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू, उमा नदी में उफान से अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे दो लोग, सेना ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में डैम से पानी छोड़े जाने से बढ़ा खतरा, झील में तब्दील दिखा इलाका। आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की परेशानी, सीएम जगनमोहन ने अधिकारियों के साथ की बैठक। राजस्थान के बूंदी में सैलाब का कहर, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। डेढ़ घंटे की मूसलाधार बाढ़ से पानी पानी हुआ धौलपुर, घरों और दुकानों में हुआ जलभराव। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जलभराव का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल हुए हालात। फतेहपुर शेखावटी में अंडरपास बना दरिया, पार जाने की कोशिश में आधी डूबी बस, 20 यात्री थे सवार, बैक गियर में लौटा ड्राइवर। गुजरात के नवसारी में अभी भी सामान्य नहीं हुए हालात, उफान पर है अंबिका पूर्णा और कावेरी नदियां, सैलाब से खाद्य सामग्री का बढ़ा संकट। बिहार के गया में दिखी गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, गांव की मस्जिद की देखभाल करते हैं हिंदू समाज के लोग। दिल्ली के साकेत में दिखी एक महिला की कलाकारी, वेस्ट प्लास्टिक से बनाती है सुंदर कलाकृतियां। जल्द ही अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेगा आम इंसान, अंतरिक्ष यात्रा के लिए 1.5 से 3 करोड़ तक खर्च कर रहे हैं लोग। रोज एक फ्लाइट अंतरिक्ष के लिए भरेगी उड़ान, दुनिया भर से 800 लोगों ने अंतरिक्ष के फ्यूचर ट्रिप के लिए बुक करा लिए हैं अपने टिकट। अंतरिक्ष यात्रा के लिए फ्यूचर टिकट बुक करा चुके हैं 800 लोगों की ट्रेनिंग भी है जारी, हालांकि स्पेसएक्स के जरिए पहले भी अंतरिक्ष की सैर करके आए हैं कुछ सैलानी। साल में 400 फ्लाइट धरती से उड़ान भरेंगी, यानी औसतन रोजाना एक से भी ज्यादा फ्लाइट जाएगी अंतरिक्ष। छोटे स्पेस यान और रीयूजेबल रॉकेट विकसित करने में जुटे कई देश, कई स्पेस कंपनियां ज्यादा टूरिस्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी फाइनल करने में जुटी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत के साथ टीम इंडिया की वनडे रेटिंग सुधरी, रैंकिंग में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे। आईसीसी की रैंकिंग में भारत के नाम 109 अंक हैं, जो कि चौथे स्थान पर काबिज पाकिस्तान से 3 अंक ज्यादा है। रैंकिंग में न्यूजीलैंड 128 अंक के साथ नंबर वन पर, जबकि इंग्लैंड 121 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा, टीम इंडिया इस दौरे पर कैरेबियन टीम के साथ 3 वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। सीरीज में टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी को दिया गया है आराम, शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम विंडीज के दौरे पर वनडे सीरीज खेलेगी। ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम बनने की रेस में और आगे बढ़े, तीसरे राउंड में हासिल की जीत। तीसरे राउंड के लिए डले कुल 357 वोट, ऋषि सुनक को मिले 115 वोट। पेनी मोडेंट 82 वोट के साथ दूसरे और लिज ट्रस 71 वोट के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अल्जीरिया और इटली के बीच डील, $4 अरब में गैस सप्लाई पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। फ्रांस दौरे पर हैं यूएई के राष्ट्रपति, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में रणनीतिक साझेदारी पर बनी सहमति। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में ट्रेड यूनियनों के सदस्यों का प्रदर्शन, कोलंबो में रेलवे स्टेशन के बाहर पोस्टर बैनर और नारेबाजी करके जताया विरोध। जापान दौरे पर दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन, चीन के मुद्दे पर बेहतर सहयोग पर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने जंगल में लगी आग से तबाह इलाके का किया दौरा, स्पेन में आग की वजह से अब तक 70 हेक्टेयर भूमि जल चुकी है। हंगरी में टैक्स में बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन, राजधानी बुडापेस्ट में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। चीन में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़े, पिछले 24 घंटे में 117 नए मामले किए गए दर्ज। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 145वां दिन, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी हमले में अब तक 10,000 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत। रूसी सैनिकों ने उड़ेसा में जमकर मचाई तबाही, ब्लैक सी की दिशा से सुखोई SU-35 फाइटर से 4 मिसाइलें दागी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, रूस फास्फोरस और प्रोजेक्टाइल बमों जैसे खतरनाक सैन्य हथियारों का कर रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन का दक्षिणी इलाका पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में, यूक्रेनी सेना छापेमारी युद्ध नीति का इस्तेमाल करती आ रही है नजर। यूक्रेन ने रूस पर लगाया विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप। यूक्रेन की सेना ने 24 फरवरी से 18 जुलाई तक लगभग 38,450 रूसी सैनिकों को मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन के खार्किव इलाके में चुहीव शहर पर रॉकेट से हमला, रूसी हमले में एक शख्स की मौके पर ही मौत जबकि दो शख्स गंभीर रूप से घायल। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने जताई संभावना, लंबे समय तक चलता रहेगा यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला। 24 फरवरी से अब तक रूसी हमले से दोनेत्स के कुल 625 नागरिक मारे गए, 1,608 लोग गंभीर रूप से घायल। सोमवार को रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कुल 15 क्रूजर मिसाइल से किया हमला, खार्किव इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान का करना पड़ा सामना।